थ्योरम दिया गया है। इस थ्योरम को हम रिवर्सल रूल के नाम से जानते हैं। अब रिवर्सल रूल है क्या, इसको सिंबॉलिकली जो दिया गया मैथमेटिकली उसको हम आपको बता रहे हैं। यह जी एक ग्रुप है और इस ऑपरेशन ओ के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप हुआ है, तो हमको इसमें दिखाना है कि इस जी का कोई दो एलिमेंट लें और उसके बीच में जिस साइन जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप हुआ है उसको ऑपरेट कर दें और तब इस टोटल का इन्वर्सल है। तो इसकी वैल्यू यदि इन्वर्स प्रत्येक पे अलग अलग जब आ जाए, यानी ए पर भी इन्वर्स हो गया और बी पर भी इन्वर्स हो गया, तो ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। यानी ए पहले है तो बाद में, और जब बाद में हमारा बी है वो हमारा पहले आ गया। जो ऑपरेशन यहाँ है वही ऑपरेशन यहाँ है। इट मीन्स ए ओ बी टोटल का इन्वर्स इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ बी, जो ऑपरेशन है वो इन्वर्स ऑफ ए, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो अभी एक आपको आइडिया बता रहे हैं, जिस आइडिया का यूज यहाँ भी करेंगे, और इस तरह का यानी किसी एलिमेंट का इन्वर्स दूसरे को दिखाना हो तो उसके लिए इस प्रोसीजर को एडाप्ट करते हैं। जैसे सपोज कर लो हमको दिखाना है कि यह एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू वाई, किस आइडिया से इसको करेंगे उस आइडिया को पहले जान लो, आगे कोई प्रॉब्लम में जहाँ इन्वर्स का आता है वो यूज होता है। यदि हमको दिखाना हो कि x इनवर्स इज इक्वल टू y, तो इसको दिखाने का जो प्रोसीजर है, जिसका इनवर्स दिखाना है उसके इनवर्स को हटा दो और केवल x लिखो, और जिस ऑपरेशन का यानी एडिटिव इनवर्स दिखाना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिखाना है, यानी जिस ऑपरेशन के, उस ऑपरेशन को इसके बीच में ऑपरेट करो। और फिर ये जो दूसरा इक्वल के बाद जो है उसको ले लो और इसको दिखा दो कि ये आइडेंटिटी आ जाए। यानी किसी एलिमेंट के इनवर्स को यदि हमको दूसरा एलिमेंट वाई दिखाना हो तो इसका प्रोसीजर है कि जिसका इनवर्स है उसी एलिमेंट को ले लो, इनवर्स को छोड़ दो, और जो ऑपरेशन जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स दिखाना है तो उस ऑपरेशन को ऑपरेट कर दो, और जितना दिखाना है उसको ऑपरेट करके यह आइडेंटिटी दिखा दो। तो इससे हमको क्या मिलेगा कि इस एलिमेंट में इस दूसरे एलिमेंट को ऑपरेट किया गया तो हमको आइडेंटिटी दे दिया। इट मीन्स यह दूसरा एलिमेंट इस पहले का इनवर्स होगा, यानी यह वाई इज इनवर्स ऑफ एक्स, इनवर्स की डिफिनेशन को पता है, लेकिन एक्स के इनवर्स को जो डिनोट करने का तरीका है वो उस पर हम माइनस लगा देते हैं तो यह एक्स का इनवर्स होता है। अब आप देखो यह वाई जब यक्स में ऑपरेट हुआ आइडेंटिटी दे दिया तो यह वाई एक्स का इनवर्स है, यक्स नहीं है, ये यक्स का इनवर्स है, और यक्स के इनवर्स को ऐसे डिनोट करते हैं और यक्स का इनवर्स ही वाई है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूफ हो गया। इट मीन्स एक आइडिया आपको मिला कि जिस एलिमेंट के इनवर्स को कोई दूसरा एलिमेंट दिखाना हो तो जिसका इनवर्स है उसको छोड़ दो और जितना इक्वल लाना है उससे ऑपरेट करके आइडेंटिटी दिखा दो। तो यदि आइडेंटिटी दिखा दिया गया तो किसी एलिमेंट में दूसरे एलिमेंट से जब ऑपरेट करे आइडेंटिटी दे तो जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है वो पहले वाले का इनवर्स होता है, यानी वाई इज इनवर्स ऑफ एक्स और इनवर्स ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाई दिस, इट मीन्स एक्स इनवर्स इज इक्वल टू वाई। इसी कॉन्सेप्ट का जब यूज हम यहाँ इस थ्योरम में करेंगे तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, इजली इस थ्योरम को आप समझ सकेंगे। तो अब आप देखिए हमको टोटल का जो इनवर्स है वो इसका इनवर्स है, तो इस इनवर्स को इतना दिखाना है तो जिसके इनवर्स को दिखाना है उसके इनवर्स को हटा दो और सिर्फ ए ओ बी ऐसा लो, और इसकी जो वैल्यू दिखानी है उसको ऑपरेट करो और इसको आइडेंटिटी दिखा दो। यदि हम यह दिखा दिए कि यह इसके साथ ऑपरेट होकर के आइडेंटिटी दे दे, इट मीन्स ये एलिमेंट इसका इनवर्स होगा और इसके इनवर्स को ऐसे डिनोट करेंगे,
यानी इसका इनवर्स ये और इसके इनवर्स को ऐसे डिनोट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको हमारा एम है आइडेंटिटी दिखाना, तो आइडेंटिटी दिखाने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम बी और बी इनवर्स को एक पास लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये जैसे चाहे नहीं, वो ग्रुप है तो ग्रुप की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। तो अब क्या कर लो, ये जो यॉक ब्रैकेट का एलिमेंट है, इस ब्रैकेट के एलिमेंट को एक एलिमेंट सपोज करो, ये टोटल ब्रैकेट एक एलिमेंट, और इसको दूसरा एलिमेंट और इसको तीसरा एलिमेंट ऐसा ले लो। तब हम ये एसोसिएटिव लॉ को लगाएंगे, जैसे हमारा ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। तो यह एलिमेंट ए ओ बी ये पहला एलिमेंट है, और यह ऑपरेशन आया बी इनवर्स, ये दोनों एक साथ आ गए, यह अलग है ये दोनों एक साथ है, तो एसोसिएटिव से अब ये दोनों एक साथ और यह अलग, तो यह ए इनवर्स अलग हो गया। हमारा पर्पज है बी और बी इनवर्स को एक पास लाना जिससे ये आइडेंटिटी दे दे। तो अब देखो, अब ये तीन एलिमेंट बचे, यहाँ हमारा चार था इसलिए तीन के फॉर्म में करने के लिए दो को एक साथ ले लिया, क्योंकि एसोसिएटिव तीन के लिए लगाते हैं हम। अब इसमें तुम्हारा तीन ही एलिमेंट है, तो दो ही एलिमेंट है और एक एलिमेंट है, ये दोनों एक साथ है तो एसोसिएटिव से ये दोनों एक साथ ये अलग हो गया, तो यानी यह एलिमेंट ए अलग हो गया और बी ओ बी इनवर्स एक साथ आया और ये पहले से हमारा अलग है। अब कोई एलिमेंट बी है और इसका इनवर्स है, तो उस एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी दे देगा। इट मीन्स यह ए ओ ई, यह और ओ ये इनवर्स, अब आइडेंटिटी से इसमें ऑपरेट करोगे तो ए ही मिल जाएगा, तो यह ए ओ ये इनवर्स, और फिर ए में इसके ए इनवर्स से ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी, तो हमारा यह आइडेंटिटी आ गया। यानी हमने देखा कि इसमें इसको जब ऑपरेट किया गया तो आइडेंटिटी आ गया। इट मीन्स बी इनवर्स ओ ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए ओ बी, इनवर्स ऑफ ए ओ बी इज डिनोटेड बाय ए ओ टोटल का इनवर्स। तो यहाँ से हमको मिला कि विच सोच दैट बी इनवर्स ओ ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए ओ बी, बट इनवर्स ऑफ ए ओ बी इज डिनोटेड बाई ए ओ बी टोटल का इनवर्स, देयरफोर ए ओ बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ओ ए इनवर्स। यानी हमको ये रिजल्ट दिखाना है तो इतने को लिया और जो दिखाना है उसको ऑपरेट करके आइडेंटिटी दिखा दिया। तो एक एलिमेंट में दूसरे को ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी दे दे तो ये दूसरा पहले का इनवर्स होगा, तो यह एलिमेंट इसका इनवर्स है और इसके इनवर्स को डिनोट करते हैं इस नोटेशन से, तो ये रिजल्ट हमको आ गया। इसी तरीके से इसको हम यदि राइट में यहाँ लिखा गया लेफ्ट में ले लें और इसको राइट में ले लें उससे भी हमको आइडेंटिटी मिल जाएगी जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, तो दोनों तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। तो आगे आप लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव बी इनवर्स ओ ए इनवर्स ओ ए ओ बी इज आइडेंटिटी। हमको किसी सेट की आइडेंटिटी या इनवर्स दिखाना होता है तो दोनों साइड में जैसे ए ओ बी इज इक्वल टू ई,
बी ओ ए इज इक्वल टू ई इनवर्स, दोनों साइड में किसी भी तरह से रखो, तो ये दोनों स्थितियों में आ गया। इट मीन्स चाहे इसको लेफ्ट में रखें या राइट में रखें, हमको यह ए ओ बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ओ ए इनवर्स, ये आपका रिवर्सल है। तो इस तरह से इसको प्रूफ हमारा हुआ। अब इसी से रिलेटेड छोटे छोटे एक एक दो दो प्रॉब्लम है, लेकिन वो पूछे जाते रहे। ये भी हमारा कई वर्षों में ये पूछा गया प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम पूछे गए हैं उन्हीं को हम बता रहे हैं, इसलिए जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसके बाद एक दो और प्रॉब्लम है, उसको हम लोग कर रहे हैं आगे।